नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी ये छोटी सी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को तीन सवालों का जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले, ट्रेन में लगेज कैसे बुक करें, हम किस किस सामान को ट्रेन से भेज सकते हैं, किस प्रकार से लगेज को ग्रुप बुक कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और दूसरी सवाल, मोटरसाइकिल को भेजने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपने बाइक को भेजना है ट्रेन में लगेज बुक करके तो आप किस किस डॉक्यूमेंट को जमा करना होगा, सबमिट करना होगा, इसके बारे में बताएंगे। और तीसरा सवाल क्या है कि ट्रक या ट्रेन में सस्ता, आप ट्रक से भी सामान भेज सकते हैं और ट्रेन से भी सामान भेज सकते हैं, लेकिन आपको किस में ज़्यादा फायदा है और सेफ्टी है, इन दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन तीन सवालों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पहला सवाल, ट्रेन में लगेज कैसे बुक करें। सबसे पहले, अगर आपने किसी भी सामान को भेजना है तो पैक आपने खुद उस सामान को पैकिंग करके ले जाएंगे तो इससे क्या है कि आपका पैकिंग का खर्च बच जाएंगे। नहीं तो आपने वहाँ पर स्टेशन में जो पैकिंग करने का चार्ज आपको अलग सा देना पड़ेगा। तो अगर आप अपना सामान को घर में ही बढ़िया से पैक करके ले जाएंगे तो इससे क्या है, आपका पैकिंग का खर्च देना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना सामान को लेकर कहीं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में जाना है, जहाँ पर लगेज डिपार्टमेंट है उसके पास जाना है। और वहाँ जाने से पहले आप लगेज के लिए जो फॉर्म है, जो आप आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फोटोकॉपी निकाल सकते हैं, या किसी ट्रैवल एजेंसी वगैरह कहीं से भी आप उसको फोटोकॉपी आपको लेके जाना है, ताकि वहाँ पर मैंने कई जगह देखा कि स्टेशन पर यह फॉर्म नहीं मिलता है। तो इस हालत में आपको आपके पास होगा तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने उस फॉर्म को फिलअप करना है और उसके साथ जो आपका सामान क्या भेजना है, मान लो अभी देखते हैं दूसरा नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मोटरसाइकिल को भेजने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर हमने मोटरसाइकिल भेजना है तो उस जो फॉर्म के साथ आपने मोटरसाइकिल का आरसी का फोटोकॉपी और उसका आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी सबमिट करना होगा। अगर नहीं है, आपको कोई लगेज भेजना है, सामान भेजना है, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आपका अगर कोई गाड़ी, जैसे कि अभी बताया मोटरसाइकिल के लिए आपको ये आरसी और आधार कार्ड ज़रूरी है, तो इन चीज़ों को आपने डिपॉजिट करना है। उसके बाद आपका जो चार्ज है, इसका जो चार्ज है आपके डिस्टेंस के हिसाब से निकलेगा। अगर आप ज़्यादा दूर ले जाना है तो उसी हिसाब से, जैसे कि मैंने आसाम से एनजीपी, मतलब 18 घंटे का रास्ता है, लगभग 1200 किलोमीटर का, तो इसके लिए मैंने जो मेरा मोटरसाइकिल लेके आया तो 10 रुपये केजी का हिसाब से देना पड़ा, जो कि मेरा रॉयल इनफील्ड का 197 केजी का मुझे 2025 रुपीज मुझे पे करना पड़ा। तो और आपने उस सामान को किस ट्रेन से भेजना चाहते हैं उसका बारे में भी आपको बताना होगा। अगर आप अपना जिस ट्रेन में आप खुद जा रहे हो उसी ट्रेन में अगर आपने सामान को ले जाना चाहते हो तो आपने 24 घंटे या एक दिन पहले आपने सामान को लगेज रूम में पहुंचाना होगा, उसका आपने उसको फॉर्म फिलअप करके उसको जमा करके आपने रसीद लेना होगा एक दिन पहले। अगर आप बाद में कभी भी भेजना चाहते हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने मोटरसाइकिल जैसा गाड़ी अगर आपने लगेज कर रहे हैं तो उसको तो आपने घर में पैकिंग करके नहीं ले जा सकते, तो इस हालत में आपको वहीं पर पैक करना पड़ेगा। तो मेरा भी सेम, जब स्टेशन में मैं गया और मेरा जो मोटरसाइकिल है वहीं पर पैक किया गया, जिसमें मुझे 600 रुपीज़ चार्ज, पैकिंग चार्ज देना पड़ा था।
तो उसके बाद जब आप पैकिंग करने के बाद जो आपको वेट होगा, उसके बाद जो आपको जो रसीद मिलेगा वहाँ से, उस रिसीप को आपने गुम नहीं करना है, उसको आपने सामान को रिसीव करने के लिए आपको फिर वो दिखाना होगा, तो उसको गुम नहीं करना है, जो कि इस प्रकार से दिखेगा। इस रसीद को आपने गुम नहीं करना है। और जो मैंने पहले बताया, जो आपने फॉर्म बताया था, जो फॉर्म इस प्रकार से देखेगा, फॉर्म ये वाला फॉर्म का आपने प्रिंट आउट करके फिलअप करके जमा करना होगा शुरू में। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आप अगर आप मोटरसाइकिल स्कूटी कोई भी ले जा रहे हो तो बिल्कुल आप पेट्रोल को कम करके ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा पेट्रोल खाली करना होगा। पेट्रोल टैंक से पेट्रोल को खाली करने के बाद स्टार्ट किया जाएगा, और स्टार्ट खुद ऑफ होने के बाद आपका पैकिंग किया जाएगा। तो आपने पेट्रोल कम से कम रखना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो आप जहाँ से रिसीव करना चाहते हैं उस स्टेशन में जाते समय आपने बैग में थोड़ा 1.5 लीटर 2 लीटर पेट्रोल को लेके जाना है, ताकि आप वहाँ से गाड़ी को स्टार्ट करके खुद चला के बाहर तक लेके आ सके, नहीं तो फिर आपको धक्का लेके आना पड़ेगा, या तो आपको कोई किसी से सहारा लेना पड़ेगा, ताकि आपको फिर उसको भी आपने चार्ज देना पड़ेगा, गोली को चार्ज देना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आपने थोड़ा सा उस पेट्रोल 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल को लेके आपने गाड़ी को रिसीव करने जाना है। और रिसीव करने जाते समय आपके पास जो मैंने बताया था ये वाला रसीद को आपने लेके जाना है, इसको आपने वहाँ पर डिपॉजिट करना है। अगर यहाँ पर दूसरी कंडीशन है, अगर आपने आपका जो लगेज पहुँचने के बाद 6 घंटे तक आपका सामान सही जो रखने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, अगर 6 घंटे के बाद आप 6 घंटे के अंदर भी अपना सामान को आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसके बाद आपको 1 घंटे का 10 रुपया के हिसाब से आपका स्टेशन में पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि मैं 2 दिन, मतलब 1 दिन लगभग ऐसा ही 17-18 घंटा, मान लो 20 घंटा में लेट पहुंचा, तो मुझे 200 रुपया पेनल्टी देना पड़ा। तो यही है, ज़्यादा ज़्यादा समय नहीं लगता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं जितना हम सोचते हैं। ट्रेन में जो सामान कुरियर करना, लगेज करना बहुत ही आसान है, जितना हम सोचते हैं उससे भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर इतना भीड़ भी नहीं रहता है, और काम जो एकदम जल्दी होता है। और सेफ्टी का लिहाज से देखा जाए तो आपको पता है, जो ट्रक और ट्रेन में काफ़ी, ट्रेन जो आपको भी पता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी भी है, इसमें जो सामान डैमेज होने का। और एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर अगर आप स्कूटी मोटरसाइकिल अगर कोई भी पैक करते हैं, तो मेरे हिसाब से उसका जो लुकिंग ग्लासेस है उसको आप खोल के अंदर ही उसको रैप कर सकते हैं, अंदर जो कार्टून से छुपा सकते हैं, क्योंकि मेरा जो लुकिंग ग्लास है वो बुरी तरह टूट गया था। अभी आते हैं 3 नंबर सवाल, जैसे कि ट्रक या ट्रेन में सस्ता। तो दोस्तों, मैंने तो काफ़ी, मैंने जब मुझे आसाम से वेस्ट बंगाल में बाइक को भेजना था, तो मैंने काफ़ी मैंने खोज की कि मैं क्या ट्रेन से बुक करता हूँ या तो कोई ट्रक से, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर था मेरे जगह से, तो मैंने ट्रक से भी भेजने का कोशिश किया। तो ट्रक में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है, कम से कम 3-4 गुना 10 गुना तक मुझे सुनाई दी, जो ट्रक जो ट्रैवल एजेंसी से इनका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, मिनिमम 6,000 से लेकर मुझे 21,000 तक का मुझे रेट मिला। और मैं जब उसके बाद मैंने सोचना शुरू की कि अब लगेज के बारे में, ट्रेन से लगेज के बारे में भी थोड़ा जानते हैं, तो मैंने जब जाना इसके बारे में इंक्वायरी की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो सोचा कि मैं इसके बारे में क्यों एक वीडियो भी ना बनाऊँ, एक वीडियो भी बना दूँ, ताकि मेरे ही जैसा किसी एक दोस्त का भी काम आएगा। तो दोस्तों, अगर
इस वीडियो आपका कोई किसी काम आ गया हो या आपको अच्छा लगा, इससे कुछ आपको कुछ हद तक मदद मिला, तो आप इस मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। मैं भी कोई इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन कोई कुछ भी नया काम जब भी मैं करता हूँ, या मुझे लगता है कि दूसरों को भी इस बात को बताना चाहिए ऐसा लगता है, तो मैं उसका वीडियो बना के मैं यूट्यूब में डालता हूँ, जिससे मेरे जैसा कोई इनोसेंट को मदद मिल सके। तो मेरा इतना ही मकसद है। अभी तक मेरा वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।